हेलो फ्रेंड्स, आज अब ले आए हैं तुरई की सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सब्जी रेसिपी। हमने बहुत अलग तरीके से बनाया है, एकदम सिंपल है, कम मसालेदार है, तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश तुरई ले लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे, और कोशिश करिए कि फ्रेश तुरई होनी चाहिए, तभी सब्जी अच्छी बनती है। तो अब हमें करना क्या है, इसको छील लेना है इस तरह से। पहले इसे छिलनी से हमें छील करके रेडी कर लेंगे। ये सब्ज़ी कम ऑयली बनती है, कम मसालेदार बनता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। कुछ लोग इसे दाल में मिलाकर बनाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ ये स्पाइसी बनता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी आता है। और सबके घर का अपने अलग अलग बनाने का तरीका है, तो आप मेरा भी तरीका देख लें और कमेंट्स करके बताइए कि मेरी जैसे सब्ज़ी कौन बनाता है, कौन कौन बनाता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से छील लिया है, फिर से वॉश कर लिया है, फिर इस तरह से काट लेंगे। हमने इस तरह काट करके रेडी कर लिया है। अब चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मेथी का तड़का लगा लेंगे। जब अच्छे से मेथी चटकने लगे, क्रैंकल हो जाए, यहाँ पे हम डाल देंगे कटी हुई बारीक लहसुन की कलियाँ और एकदम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, मतलब एक छोटे साइज का प्याज कट करके डाल देंगे। बढ़िया से गोल्डन सुनहरा होने तक प्याज और लहसुन को भून लेंगे। फिर उसके बाद हम सारे तुरैया ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर ऐसे भून लेना है, हमें चलाते रहना है। फिर थोड़ा हमें मसाला ऐड करना है, तो यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला है, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा कलर के लिए थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला। तो आप देख सकते हैं हमने कितना मसाले का इस्तेमाल किया, बहुत थोड़ा। अगर आपके घर में कोई मरीज़ पेशेंट है, शुगर के पेशेंट हैं, तो इस तरह से सब्ज़ी बनाएं, कम मसालेदार और बहुत ही टेस्टी। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके घर में सब्ज़ी कैसे बनती है। तो इसे लेड लगा के हम पका लेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तो अभी हमारी सब्ज़ी पकी नहीं है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई ऑलमोस्ट पानी छोड़ती है। तो अब हमें क्या करना है, ढक के 1 मिनट के लिए और पका लेना है। तो लीजिए, हमारी तुरई बन के हो गई है रेडी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब इसे हम चला लेंगे इस तरह से और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और एकदम पानी सॉक कर लिया है तुरई और बढ़िया से पक गई है। तो है ना, बहुत ही सिंपल और टेस्टी इजी सब्जी। तो आप इस तरह बनाएं, और जब आपका मन हल्का फुल्का खाने का हो तो इस तरह से सब्ज़ी बनाकर तैयार करें। बहुत कम टाइम में बन के तैयार होता है, फटाफट बन के तैयार होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।